हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वेबसाइट के लिए या फिर ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, मैं ये सोच के चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है डोमेन नेम परचेज़ कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपने डोमेन नेम परचेज़ नहीं करा होगा तो आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे अपने ब्लॉग के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। तो अगर आपने डोमेन नेम परचेज़ कर लिया है तभी ये वीडियो देखिए, और नहीं अगर आपको थोड़ा एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखना है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं कि इन फ्यूचर आप कोई परचेज़ करें तो आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अपना वेबसाइट जो है, अपना ब्लॉग जो है। मैंने अभी देखिए अपना ब्लॉग पे इंस्टॉल नहीं कर रखा है, मैं यहाँ पे ये कोड आ रहा है, एरर आ रहा है 404 का, क्योंकि मैंने डोमेन नेम परचेज़ कर लिया था। और मैं यहाँ पे देखिए रिफ़्रेश करके दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये 404 ही आ रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि पहले मैंने अपना ब्लॉग जो है वो यहाँ से अनइंस्टॉल किया था वर्डप्रेस को, फिर से इसके बाद इंस्टॉल करने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको, अनइंस्टॉल करना और रीइंस्टॉल करना। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपने जहाँ से वेब होस्टिंग बाई कर रखी है, वेब होस्टिंग परचेज कर रखी है, उस पे जाना है, उसमें लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपको अपना जो वेब होस्टिंग का सी पैनल है उसको आपको ओपन करना होगा, क्योंकि सी पैनल में ओपन करने के बाद ही आप कई सारी एप्लीकेशंस जो है, खाली वर्डप्रेस ही नहीं, बहुत सारी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं सी पैनल को ओपन करने के बाद। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सी पैनल में जाना होगा। और सी पैनल खुलने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक वर्डप्रेस का सिंबल बनाएगा और वर्डप्रेस का लोगो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सॉफ्टेकुलस इंस्टॉलर, ये उस एप्लीकेशन का नाम है जो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेगा आपके ब्लॉग में। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से खुलेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद नई टैब खुल जाएगी, ये वाली टैब खुल गई आपके सामने। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा ओवरव्यू और इंस्टॉल, तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाना होगा पहले, और यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करना है। और ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद आप जैसे यहाँ पे जाएंगे तो आपको सामने ये कई सारी चीज़ें खुल के आ जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम चूज़ करना होगा, और HTTPS ही यूज़ कीजिएगा, HTTPS। तो HTTPS यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आप अपने यहाँ पे डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं, अगर आपका डोमेन नेम एक ही है तो वो एक ही सेलेक्ट कर लेगा। फिर आपको अपने टाइटल यहाँ पे नाम देना है कि आपका जो ब्लॉग है उसका नाम क्या होगा। लाइक मेरे ब्लॉग का नाम है टेक्नोसरोवा, तो आपको हो सकता है एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स, या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्थ के टिप्स हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है जो आपका ब्लॉग का नाम आप रखना चाहते हैं। फिर आपको अपनी टैगलाइन चूज़ करनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको टाइटल टैगलाइन करने के बाद, और डिस्क्रिप्शन चूज़ करने के बाद आपको अपना पासवर्ड भी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे अपना जो साइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो चूज़ कर लेते हैं, जो मैं जी, और आप अपने ब्लॉग के लिए और अपनी वेबसाइट के लिए वही कीवर्ड्स यूज़ करें अपने डिस्क्रिप्शन में जिनके ऊपर आप रैंक कराना चाहते हैं। लाइक जो ये मेरा ब्लॉग होने वाला है वो होगा SEO के लिए, ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग के टिप्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे SEO ट्रेनिंग और ब्लॉगिंग टिप्स ही यूज़ करा है, और साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना करना क्या होगा, आपको अपना यूज़र नेम, क्योंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा। तो आप एडमिन की जगह आप अपनी वेबसाइट का नाम भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको एडमिन रखना है तो आप एडमिन भी रख सकते हैं इजीली। उसके बाद आपको अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना होगा, और मेक श्योर आपका जो पासवर्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि कोई भी उसको हैक ना कर पाए, कोई भी उसमें लॉगिन ना कर पाए। तो जैसा पासवर्ड ये यहाँ पे दिखा देगा उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, पासवर्ड चूज़ करने के बाद आपको एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको एज इट इज़ छोड़ भी सकते हैं। मैंने खाली इसलिए करा है ताकि यहाँ पे जो मैं थीम को इंस्टॉल करूँगा अपने वर्डप्रेस में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। ठीक है, और जो वर्डप्रेस है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे, ये मैंने एडवांस ऑप्शन में कर रखा है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन पे कि मैंने किस लिए ये एडवांस ऑप्शन ऑप्शन जो है ओपन करा, और यहाँ पे टिक करा है मैंने। ठीक है, तो आप ये करें ना करें डजेंट मैटर, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा कि वीकली, यहाँ पे आप बैकअप भी ले सकते हैं अपने ब्लॉग का, कि अगर आपको इन केस आपके ब्लॉग में कुछ हो जाए, आपका सर्वर डाउन हो जाए, आपकी वेबसाइट के ब्लॉग क्रैश हो जाए, तो आप बैकअप भी प्लान कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर दिखाया। उसके बाद आपको यहाँ पे थीम को सिलेक्ट करना है, कोई भी थीम आप चूज़ कर सकते हैं अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, बाद में आप उसको चेंज भी कर पाएंगे ईजिली। आपको यहाँ पर कर देना है इंस्टॉल। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा 5-10 सेकंड लग जाएंगे इंस्टॉल होने में, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और इंस्टॉल होने के बाद
अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आपके सामने यहाँ पे देखिए लिंक आ जाएगी आपकी वेबसाइट की, और आपका जो डैशबोर्ड है आप कैसे उसको एडिट कर पाएंगे खोल के, वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, WP एडमिन वाली जो लिंक है वो वाली, ठीक है। तो मैं आपको वही खोल के दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, और ये वाली लिंक मैंने खोल लूँगा यहाँ पे, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अभी भी वो एरर जो 404 आ रहा था अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए अब मेरा जो ब्लॉग है वो लाइव हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है वर्डप्रेस हमारा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, पहले ऐसा दिखता था। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो और अब जो मेरा इसको भी मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ, ये देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये देखिए अब मेरा ब्लॉग जो है वो लाइव हो चुका है। अब मैं इसमें कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ बहुत ही इजीली, जो मेरे को करना है, मेरे को थीम चेंज करने हैं, मेरे को प्लगइन डालने हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर पाऊँगा। वो कैसे होगा, जहाँ पे मेरा ये जहाँ पे technoserver.com है उसके स्लैश में आपको स्लैश करना है और WP एडमिन डाल देना है, आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अगर कट करना चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप यहाँ इसको करना चाहे, अनइंस्टॉल भी आपको यहीं से होगा। आप अगर अपने ब्लॉग के जो वर्डप्रेस है इसको अगर इंस्टॉल करना चाहे, तो आप यहाँ पे आके दोबारा से आपको ऐसे ही करना है, आपको वर्डप्रेस में जाना है, और ओवरव्यू में जाने के बाद आपको करना क्या होगा, ओवरव्यू में जाने के बाद आपको उसको अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, और वो इंस्टॉल हो जाएगा, और वहीं पे आने के बाद आपको दोबारा से इंस्टॉल भी इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो सी पैनल में जो नेम सर्वर होता है, वो नेम सर्वर वो आपके जहाँ से आपने डोमेन नेम लिया है वो लिंक होना चाहिए, मतलब जहाँ से आप वेब होस्टिंग खरीदेंगे उस पे सी पैनल को खोलने के बाद आपको DNS और बोल सकते हैं नेम सर्वर आपको मिल जाएंगे, और नेम सर्वर जो आपके आएंगे वो आपने जहाँ से डोमेन नेम खरीदा है, जैसे मैंने गोडैडी से खरीदा, तो आप वहाँ पर जाके लिंक करना ना भूलें, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेड कलर का सिंबल है, वो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, अगर आप इस पर रेड कलर के क्रॉस पे दबा देंगे तो अनइंस्टॉल हो जाएगा वर्डप्रेस, ठीक है। तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं वर्डप्रेस को। तो ये क्वेश्चन हो गया हाउ टू इंस्टॉल द वर्डप्रेस ऑन योर ब्लॉग, और एक क्वेश्चन हो गया हाउ टू अनइंस्टॉल द वर्डप्रेस ऑन योर ब्लॉग। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दिया है, इंस्टॉल का भी और अनइंस्टॉल का भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी नया मिला है आपको इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी, आई रियली नीड योर सपोर्ट। मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। ये कुछ मेरी वीडियोस है जो आप देख सकते हैं, ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग, कीवर्ड रिसर्च के रिगार्डिंग, और यूट्यूब और सोशल मीडिया के अपडेट्स के रिगार्डिंग। तो आप मेरी वीडियोस, अगर आपको ये कंटेंट पसंद है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।